पान खाए सैया हमार। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अच्छा लगता है मिर्जा आ गया। निकालो उसको, कहाँ है मिर्जा निया जी? एक तो अपना वजूद देखो, उस पर इतना फैल रहे हो। अरे हुआ क्या है चाचा? चाचा? तेरा बाप चाचा, तेरा दादा चाचा, तेरी माँ चाची, तेरा पूरा खानदान चाचा। चाचा ना बोलूं तो क्या बच्चा बोलूं? मस्का लगा रहा है। हुआ क्या है, खैरियत तो है? बताइए, महीने के 28 दिन हमारे घर को अपना घर समझ के घुस जाता है तुम्हारा मालिक। असल में उनको भूलने की बीमारी है। आ हा हा हा, कितना दीदा दिलेरी पन से बोल रहा है, उसे भूलने की बीमारी है जी। एक पूरे मोहल्ले में मेरा ही घर मिला है जी। एक मेरी ही बीवी मिली है जी। उसने जानबूझकर मेरा घर ताड़ रखा है। उन्होंने क्या, मैंने भी ताड़ रखा है क्या? कहने का मतलब ये कि बीमारी है उन्हें? अरे बीमारी है तो उसका इलाज क्यों नहीं करवाते? अभी इलाज करवाया था, अस्पताल में दाखिल किया था। जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे ना, उनकी बीवी को बेगम बेगम बोलकर छेड़ दिया, वो भी 6 बार। बताइए, छेड़ने में भी छक्का मार रखा है। एक वाइट बॉल भी की थी। समझा लो अपने मालिक को, हमारे ही घर में घुसकर हमें बोल रहा है मिर्जा जरा बाहर जाओ, हमें अपनी बेगम से बात करनी है। हम भी चल पड़े। बाद में ख्याल आया कि मेरी ही बेगम से बात करनी है। बुलाओ उसे, उनकी बेगम को बुलाओ। अच्छा छेड़ोगे क्या? ये भी कोई पूछने की बात है, मौका मिला तो छेड़ भी देंगे। बुलाओ। ये तपा हुआ है, छेड़ भी देगा। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। क्या हुआ? चाचा चिरांदी आए हैं। वालेकुम, ईद मुबारक। गोश्त लाए हैं भैया? आप भी किनसे गोश्त का पूछ रही हैं, जहां बरसों से अल्लाह मियां ने नागा रखा है। बनकर, अरे भाईजान बैठिए ना। बैठने नहीं आए हैं, उठाने आए हैं प्रोफेसर की मैयत। अरे तो ये काम करेंगे कब? समझा लो अपने शोहर को, वरना तुमसे तुम्हारे घर से सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। अरे अरे मिर्जा भाईजान, हुआ क्या आखिर? अरे फिर से मेरे घर में घुस गया और आपकी भाभी को बेगम कह दिया। हाँ, आप एक मिनट ठहर जाएं जरा, अभी आपके सामने बुलाकर उनको जलील करती हूँ। प्रोफेसर निजामी, प्रोफेसर निजामी। हम दिल नादा तुझे हुआ क्या? आओ भाई मिर्जा सानी, कब आए? अमां तुम्हें 1000 दफा समझाया है, हवाएं तेज है, ये बागवानी कश्ती पहन के मत जा करो। क्यों फिरते हो ये सब चीजें पहन के? आखिर शेरवानी में परेशानी क्या है? प्रोफेसर, बेगैरती की हद होती है हद। और वो हद तुम हो। चलो निकलो यहां से। मैं बोल रहा हूं, समझाइए इन्हें। इसमें क्या समझाना है, हमारे घर पे आके हमी को धौस दे रहे हो, बेगैरत कह रहे हो, निकलो यहां से पहले। अरे अरे, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो उसके घर में घुस गए, उस पर ही रोब जमा रहे हो। अरे घर में घुसे तो क्या, बीमार है हम, बीमारी है भूलने की। सर्टिफिकेट है जेब में डॉक्टर का, कोई काम भी कच्चा नहीं करते हम। बकवास मत करो प्रोफेसर। तमीज से बात कर बे ओ झाड़ू से बिछड़े हुए तिनके। तोहिन पे तोहिन, आज हम दोनों में से किसी की जान जाएगी। हो, अरे जान होगी तो जाएगी ना। जान देखो ये हमारे मुंह लग रहा है, निकल निकल। इससे आगे कुछ न कहना प्रोफेसर, वरना मेरी गैरत जाग जाएगी। अबे संभाल के रख अपनी बीवी, वरना भाग जाएगी। हमसे शेरो शायरी करता है, हम तो यूं शेर मारते हैं मुंह पे।
खुदा की कसम बेगम, आप बीच में से हट जाइए। बेगम? इनकी। अरे भाईजान, इन्हें भूलने की बीमारी है जरा। अगर भूलने की इतनी बीमारी है तो अपनी बीवी को बहन क्यों नहीं कहता? अब इतने भी बीमार नहीं है हम। वो बीमारी भी उतनी रखी है जो अफोर्ड करते हैं, उतनी ही रखी है भाई। इससे ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर पाते। हाँ बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, दूसरों की बीवियों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर घूमते हैं कि कोई काम कच्चा नहीं छोड़ता। खुदा की कसम छोड़ूंगा नहीं। कमबख्त गालिब के मजार की बुझी हुई मोमबत्ती, हू फूको से ये चिराग बुझाया नहीं जाएगा। बावले चिराग नहीं है ये, केक वाली मोमबत्ती है जो बच्चे भी बुझा देते हैं। हम भी खानदानी शायर हैं, तुम्हें शायरी में जलील कर सकते हैं। यार आज ये शौक भी पूरा कर लो पूरा ये शौक। वैसे मैं कोई शायर तो नहीं, बट आज तुम्हें शायरी में ही जलील करूंगा। अर्ज किया है? यही डर गया, अर्ज कर रिया है। अरे सुन तो ले मेरे बाप। शट अप। अब तो सुना नहीं पड़ेगा। अगर आप हमारे घर छेड़ने को आएंगे, अब अगर आप हमारे घर छेड़ने को आएंगे, तेरे घर के सामने एक घर बनाएंगे, तेरी बीवी को बहन बनाएंगे। या खुदा, तुम बड़े प्रोफेसर बनते फिरते हो, बहुत किताबें पढ़ी हैं तुमने शायरी की। अबे शायरी के लिए किताबें नहीं पढ़ी जाती बावले, बसे पढ़ो, रिक्शा पढ़ो, ट्रक पढ़ो ट्रक, उस पे तो सबसे अच्छी शायरी लिखी होती है। एक तो तुम्हारे लिए भी पढ़ी है मैंने। अच्छा? हाँ सुनो। खा के कुल्फी जो फेंका किसी ने सहन में तिनका, सहन डस्टबीन। खा के कुल्फी जो फेंका किसी ने सहन में तिनका, उसकी अम्मा ने उसका नाम मिर्जा रखा। बताइए, मुझे शेरो शायरी में लगा के रखा है और मैं घर का झगड़ा भूल गया। अब अगर तुम मेरे घर में घुसे तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। अरे क्या कह रहे हो? अरे एक मिनट, हुआ क्या आखिरकार? अरे होना क्या है बेगम, वही कमबख्त भूलने की बीमारी। सुबह कैप्सूल खाना भूल गए, और ये मनहूस, ये भी तो बराबर ही में रहता है, इसके घर की घंटी बजा दी। इनकी बीवी बेगम आई, हमने कहा जानू, देर में कुंडी खोली। हमारी बीवी को जानू? हाँ हाँ, तो झूठ नहीं बोल रहा है, मुंह पे ला दो, अभी कह देंगे जानू। हमने कहा जानू इतनी देर में कुंडी खोली, तो बोली ये जानू वानू क्या लगा रखा है, खबरदार, अगर मिर्जा जी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी, जाओ कल सुबह दूध वाले बन के आना। अरे हमें तो भूलने की बीमारी है, उन्हें क्या बीमारी है? अगर ये बात झूठ निकली तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, आज तो बस मैं तुम्हें। हमको झूठा कह रहा है। अरे अरे, अरे अरे भाई जान, अरे प्रोफेसर साहब, आज तो ईद का त्योहार है, ये लगता है आप दोनों में कुछ गलत फहमी हो गई है। अब आइए ये सारा फसाद छोड़ें, मैंने मीठा बनाया है, आइए अब हम सब मिलके ईद मनाते हैं। आप सभी को ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। रिकॉर्डिंग बंद है।